गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें इस चैप्टर की हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो रीड करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज टू। इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज टू एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म, सो दैट इट्स 20th टर्म इज -112। हमको शो करना है कि इसका जो 20th टर्म हो कितना होगा, -112 होगा। क्लियर? तो हम लोग राइट करते हैं, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज टू। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, मतलब ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या है? गिवन है, ए इक्वल टू 2। ए इक्वल टू कितना है? 2 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म, सो दैट इज टू। ठीक है, देखिए लेट सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म गिवन है। कितना गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म पहले फाइंड कर लेते हैं इसको। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा? n बाई टू का मतलब कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, पुट करता हूँ फार्मूला। ठीक है, n बाई टू अब राइट कर दिए तो फार्मूला क्या होता है? 2a + n - 1 × d। तो सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म क्या हो जाएगा? 5/2 2a, तो ये जगह 2a का तो 2 × 2 प्लस n - 1 5 - 1 × d। क्लियर? यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? ये 5/2 4 + 4d। ओके, 2 कॉमन लेके यहाँ से 2 क्या कर देंगे? कट कर देंगे। कितना बचेगा? 5 (2+2d)। क्लियर? ये कौन सा टर्म है स्टूडेंट? सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म कितना है? 5 (a+2d)। तो 6 टर्म कितना होगा इसका? ठीक है, 6 टर्म। क्लियर? क्योंकि 6 टर्म जो होगा नेक्स्ट फाइव टर्म को क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। तो 6 टर्म कितना होगा? a + 6 - 1 × d। ए की वैल्यू कितनी है? 2 + 6 - 1 कितना होगा? 5d। a + 5d। क्लियर? तो a + 5d क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म होगा। इसका मतलब जो सेकंड सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? 2a + 5d + 2+6d + ... कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 5 टर्म तक। 5 टर्म। क्लियर? 5th टर्म तक हम लोग जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ से जब हम यूज करेंगे इसका सम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सम। तो इसका सम कितना आएगा? 5/2 2a + 5 - 1 × d।
एक कितना जाएगा 5.2, टू टू जा 4 प्लस, यहाँ से कितना आएगा 4d। थोड़ा सा रंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। रंग क्या है, यहाँ ए की वैल्यू 2 + 5d है ना, तो उसको पुट करेंगे हम लोग। क्लियर, अगेन देखते हैं 5.2 2a, ए की वैल्यू कितना है 2 + 5d प्लस n-1 × d। फाइव पॉइंट टू यहाँ से 2 × 2 + 5d प्लस 4d, 2 का मतलब कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा यहाँ से 5, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा 2, और ये 5 4 जो होगा 2 तो कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 2d और 5d, कितना होगा 7d, ठीक है। कितना आएगा 2 + 7d, 2 + 7d क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अब हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू 1/4 × सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कितना आया है 5 2 + 2d 1/4। नेक्स्ट 5 टर्म कितना आया 5 2 + 7d। क्लियर, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से होगा 4 2 8 + 8d इक्वल टू 2 + 7d। क्लियर, तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये होगा 8d - 7d इक्वल टू 2 - 8। माइनस कर देंगे तो इम्प्लाई दैट डी इक्वल टू आएगा कितना, -6। डी इक्वल टू कितना आएगा, -6। जब डी की वैल्यू फाइंड होगी, कौन सा फॉर्म फाइंड करना, t20 टर्म। ओके स्टूडेंट, t20 का फार्मूला क्या होता है, a + 19d। ए की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 + 19 × -6। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 − 114 19 6 114। क्लियर, प्लस माइनस माइनस जाएगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा, -112। कितना आएगा स्टूडेंट, -112। क्लियर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द ए पी -6 दिया है, आर नीडेड टू गिव द सम -25। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ए पी सीरीज दी गई है, ठीक है। क्या है, -6 -11/2 -5 --, आर नीडेड टू गिव द सम -25। ठीक है, मतलब
हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम माइनस, मतलब इसमें कितने टर्म ले जाएं कि जिसका सम कितना है -25। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितने टर्म ले जाएं कि इसका सम कितना आ जाए -25 आ जाए। ठीक है, हेयर ए इक्वल टू -6, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -11/2 प्लस कितना होगा 6 इक्वल टू -11/2। -11/2 इसको यहाँ कर देते हैं और 2 6 12 +12 इक्वल टू कितना जाएगा, डी इक्वल आ जाएगी 1/2, 12 में से बन जाएगा 1/2। क्लियर, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म सो दैट एस एन इक्वल टू -25। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म सो दैट एस एन इक्वल टू -25। सिंस एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन -1 × d। एस एन कितना है -25, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 2a 2 × -6 प्लस n-1 × d। क्लियर, 25 × 50 -50 इक्वल टू n, 6 × 12 -12 प्लस n-1/2। क्लियर, -50 इक्वल टू n, 12 × 24 -24 प्लस n-1/2। क्लियर, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 12 कितना होगा 100। -100 इक्वल टू n n-25। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा -100 इक्वल टू n² - 25 n। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n² - 25 n। क्लियर, और -100 साइड से क्या होगा +100 इक्वल टू कितना होगा 0। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से फैक्टराइज कर देंगे तो 100 बन जा 100, 25 जा 100, 25 बनेगा। ठीक, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, इसका फैक्टराइज आप कर देंगे तो ये आएगा n-5 एंड n-20 इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 5 आएगा और एन इक्वल टू कितना आएगा 20 आएगा, एन इक्वल टू। क्लियर, बोथ वैल्यूज ऑफ एन गिव द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, एन की दोनों वैल्यू क्या होगी जिसका रिक्वायर्ड सम कितना होगा -25 होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 का एन एन ए पी इफ द पीथ टर्म इज 1/q1 इज 1/p प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2p+q। क्लियर, इसको आप लोग सॉल्व करेगा, पहले पी टर्म दिया क्यू टर्म दिया है। ठीक है, पी और क्यू टर्म से जो दिया है इन दोनों से दो इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद ठीक है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म का क्या लगा देंगे फार्मूला, और उसमें ए के प्लेस पे जो ए और डी की वैल्यू जो है जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम लोग,
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, डायरेक्ट करता हूँ इसको। पीथ टर्म इज वन अपान क्यू, गिवेन है पीथ टर्म इज वन अपान क्यू। तो स्टूडेंट पीथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपान क्यू। यहाँ राइट कर देंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, देन क्लियर पीथ टर्म वन अपान क्यू। तो पीथ टर्म का ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्यूथ टर्म दिया है, क्यूथ टर्म इज वन अपान पी। तो क्यूथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, क्यूथ टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपान पी। इक्वेशन वन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन टू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन माइनस टू, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। स्टूडेंट माइनस करेंगे तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। तो पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन माइनस क्यू माइनस वन अपान पी। डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हो गया, पी माइनस क्यू। यहाँ से प्लस इसे कैंसिल होगा, क्या बचेगा, डी पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू अपान पी क्यू। पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से स्टूडेंट कैंसिल, क्या बचेगा, डी इक्वल टू वन अपान पी क्यू। ओके स्टूडेंट, क्या मिला हमको, डी इक्वल टू वन अपान पी क्यू, क्लियर। अब हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन वन, पुटिंग डी इक्वल टू वन अपान पी क्यू इन वन, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, स्टूडेंट जब पुट करेंगे हम लोग तो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, पी टर्म था, तो ए प्लस ए था पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपान क्यू। डी को लिए क्या पुट करने, वन अपान पी क्यू। ए प्लस पी माइनस वन इंटू वन अपान पी क्यू इक्वल टू वन अपान क्यू। ओके, अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट अपान कर देंगे, इसका मीन्स होगा कि ए प्लस यहाँ से ए मल्टीप्लाई करेंगे तो पी अपान पी क्यू माइनस वन अपान पी क्यू इक्वल टू वन अपान क्यू। इसमें पी से पी क्या कर देंगे, कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमको, ए प्लस वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी क्यू इक्वल टू वन अपान क्यू। ओके स्टूडेंट, तो वन अपान क्यू से क्या होगा, कैंसिल। ए इक्वल टू आएगा वन अपान पी क्यू, सेम थिंग ए इक्वल टू डी, ए की वैल्यू भी वन अपान पी क्यू और डी की वैल्यू भी वन अपान पी क्यू, क्लियर। अब क्या फाइंड करना हमको है, नाउ एस पी क्यू समाप्त, तो ये कितना होगा, पी क्यू अपान टू टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इन टू डी, क्लियर। तो सब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो कितना होगा, पी क्यू अपान टू टू ए, ए की वैल्यू भी वन अपान पी क्यू, तो टू अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू वन अपान पी क्यू। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी क्यू अपान टू टू अपान पी क्यू, अलग अलग अपान करेंगे स्टूडेंट, तो पी क्यू अपान पी क्यू अपान पी क्यू माइनस वन अपान पी क्यू, क्लियर। तो पी क्यू अपान टू एंड पी क्यू सेम है, तो टू में से वन माइनस करने कितना होगा, वन अपान पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, कितना आएगा, वन आएगा, क्लियर। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं पी क्यू अपान टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपान पी क्यू अपान क्या होगा, पी क्यू। स्टूडेंट पी क्यू से पी क्यू क्या होगा, कैंसिल।
यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वन अपान टू पी क्यू प्लस वन प्रूव्ड। ये क्या होता है, सम ऑफ पी क्यू टर्म। ओके स्टूडेंट, वन अपान टू पी क्यू प्लस वन। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay?